ब्लॉग की शुरुआत करेंगी अम्मा। बोलो अम्मा। आओ दोस्तों, चाय वाय पे हम पी रहे हैं तो मुंह पी लगा के आओ। गुड मॉर्निंग। तो अम्मा सबको चाय पिला रही हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की चाय के साथ में। आओ सब जने पी लो चाय। तो आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होगा तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और आज मैंने खूब सारी पन्नी धुल के डाल दिया। सब्जी की रहती ना बहुत गंदी रहती है, तो साफ़ रहती है जब भी कोई काम रहता है तो कुछ भी भर लो साफ़ रहती तो। और इधर हमारे लड्डू गोपाल जी देखिए सो रहे हैं, अभी हम नहा के आए हैं, अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगे। और सोते हुए कितने ज़्यादा क्यूट लगते हैं ना, देखिए कैसे सो रहे हैं। और आप लोग बताना कौन कौन ऐसे लड्डू गोपाल जी को शाम को सुलाता है, उसके बाद फिर सुबह उठ करके इनको नहलाते हैं। और दो तीन दिन में, एक दिन में हम इनको चंदन लगा देते हैं तो ये अच्छे से साफ़ रहते हैं। आज नहीं लगाया, आज केवल पानी से नहला दिया है। देखिए काफ़ी ज़्यादा ठंड लग गई है इनको, और पूजा वगैरह कर दिया। इधर मम्मी कुछ सब्जी वगैरह रख रही थी, तो अभी अपना नाश्ता लेकर के आ गए हैं। चाय और ये बथुआ का पराठा है, शाम को बनाया था क्योंकि आटा बचा हुआ था तो शाम को बनाया था मम्मी ने, तो एक बचा हुआ था, दो तीन बचे थे तो अभी एक गर्म करके ले आए हैं खाने के लिए। और अब हम जल्दी से खाना बना लेते हैं क्योंकि हमको जाना है मार्केट। और ये सब्जी बना रहे हैं आलू और पालक की, और इस टाइम अब सर्दियाँ जब से चालू हो गई हैं बस हरी भरी ही सब्जी आती जा रही है, और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। लेकिन अब सब लोग कहते हैं कि हरी भी सब्जी कम खानी चाहिए, इससे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। तो खाना बन करके तैयार है, सब लोग खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। पालक आलू की सब्जी, लौकी की सब्जी, रोटी और चटनी है खाने में। अभी खाना वगैरह हो चुका है, अब हम जा रहे हैं तैयार होने। पापा भी खेत गए हुए थे, कहा था कि 3 बजे चलेंगे, और मार्केट जाना है, थोड़ा सा काम है। और हमारे यहाँ ना कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, तो काफ़ी टाइम से है और अब ख़त्म ही होने वाला है। तो पापा जाएंगे उधर सब्जी वगैरह लेने, क्योंकि मेला में ही सब्जी मिलती है, यहाँ पर जहाँ से लेते हैं वहाँ पे नहीं मिलती। जब मेला चलता है ना तो वहीं पर सब लोग जाते हैं, तो वहाँ जाएंगे ही, तो हो सकता है हम भी जाएं। तो अगर जाएंगे तो आप लोगों को भी साथ में लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे अपने यहाँ का मेला। हमने जो धुला था ना मम्मी उन्हें को पलट रही हैं क्योंकि पानी भरा रहता है इसमें, और देखो हवा भी चल रही है, ठंडी है काफ़ी ज़्यादा। मम्मी मेला से कुछ लावे है का लाइयो मेला से? जाऊँ बताओ, हम फली लेता है वो का लाइ। ठीक है, कान में बंद तू भाई का कान बंद करो। कहाँ जा रहे हो? घूमने। चलिए आप लोग आइए। दही मछली ठीक है, बाय मम्मी। हमारे लिए कुछ ले आना मेला से। ठीक, मोम फली ले आना है। कैप भी लगा लिया क्योंकि मम्मी आफत मचाए, कैप लगाओ, ठंडी है, हवा तो चल रही है इससे बाहर। तो हरे भरे खेतों को देखते हुए चल पड़े हैं मार्केट के लिए, और मार्केट से साथ ही हमने सोच लिया है कि हम मेला भी देख लेंगे क्योंकि वहां तक जाएंगे ही तो मेला भी, क्योंकि पास में ही मेला ही लगता है जहां हम जाते हैं। और मेला देखना किस किस को पसंद है, क्योंकि मेले में सबसे ज़्यादा शॉपिंग करना, और शॉपिंग किसे पसंद नहीं होता है, सभी को शॉपिंग पसंद है। और इधर हम आ चुके हैं बस मेले के पास में ही, और बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि जब भी मेला चलता है ना तो बहुत सारे लोग दूर दूर से आ जाते हैं मेला देखने के लिए। और गांव में मेला देखना सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, सबके रिलेशन वाले भी आ जाते हैं मेला देखने के लिए, सब बच्चे और बड़े सब आते हैं क्योंकि यहाँ पर मेले में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ऐसे तो ये थोड़ी सी महंगी पड़ती हैं लेकिन मेले में सारी चीज़ें थोड़ी सी सस्ती हो जाती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग मेले से ही सामान लेना पसंद करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं मेले में, और सबसे पहली दुकान हमको ये मिली है, इसमें है तवे और ये मथानी है जिसे दूध मथते हैं, और ये कद्दूकस ले लिया हमने क्योंकि बहुत टाइम से हम इसको सोच रहे थे लेने को, अदरक वगैरह घिसने के काम में आता है, छोटा सा रहता है तो बस ले लिया है। और आपको दिखा देते, देखिए कितनी भीड़ है। वैसे अभी हम आए हैं 7-8 दिन हो गए हैं तो अभी कम हो गए, नहीं तो शुरुआत पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती। और बुआ लोगों की शादी हो गई नहीं तो वो भी साथ में आती थी तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत सारे लोग आते थे। आए हुए इस दुकान पर ये जान लीजिए
ज्यादा टूटा तो नहीं है, अब ऐसे करो वो करो। तो अभी हम हर माल की दुकान पे ले रहे हैं, अभी हम 50 रुपीज़ की जो सामान थी वो लेके आए हैं और अभी ये 20 रुपीज़ की सामान यहाँ पे मिल रही है। और ये देखिए यहाँ से हम भी कुछ सामान ले रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है ऐसे हर माल में शॉपिंग करने में। और यहाँ पे 20 रुपीज़ की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये ना छिलना था, ये थोड़ा सा ऐसे घूम जाता है, जैसे लौकी वगैरह छिलना है तो ये भैया बता रहे थे थोड़ा सा घूम जाता है, तो हमने भी छिलना लिया है। और क्या क्या चीज़ें ली है आपको हम घर जा कर के दिखाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए स्टिकर वगैरह हैं और ये कल्चर वगैरह भी है और विस्कर भी थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ खाने पीने के लिए ले रहे हैं और देखो पापा बोलते हैं पापा नहीं खाएंगे, मेला आ रहा है पापा और खा नहीं रहे, क्यों पापा? ये मेला में खाई धूल मिट्टी भरी है, लड़कन वाली आई है मेला में चाट खाओ। इधर हम लोग पैक करा रहे हैं, घर में खाएंगे सबके साथ बैठ के। तो यहाँ पे भैया बना रहे हैं चाट वगैरह और हम लेकर के जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अकेले ना मज़ा नहीं आती खाने में, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं घर जा कर के सबके साथ में खाएंगे। और बहुत ही अच्छी चाट बनाई थी इन्होंने। और अगर मार्केट नहीं आना होता तो फिर हम मेला भी नहीं आ पाते, तो मार्केट ही आना था तो पास में था तो हम भी चले आए हैं। और भाई से बोला था लेकिन उसका मन नहीं था आने का। तो यहाँ पे मम्मी को बताते जा रहे हैं और आप लोग भी देखते जाइए। ये दूध में बंद करने की जाली है और इसके साथ ही ये कांच का जार भी हमने ले लिया है और ये चकला भी लिया है रोटी बेलने का, क्योंकि जो हम बेलते हैं ना बहुत छोटा है तो ये वाला सही है। और ये कद्दूकस और ये नाश्ता वगैरह देने के लिए प्लेट भी हमको मिली थी, और एक वाइट कलर की एक रेड कलर की है, दोनों ही काफ़ी अच्छी लग रही थी। समझ में नहीं आया था कौन सा कलर लें तो फिर हमने एक एक दोनों ही ले लिया था। और मम्मी को सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वही सारी चीज़ें लेकर के आए हैं जो कि घर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। और ये है हमारी शॉपिंग छोटी सी, और इसके साथ ही कुछ खाने पीने का भी लेकर के आए। तो शॉपिंग तो देख लिया आप लोगों ने, अम्मा कैसी रही हमारी? बढ़िया रही ना। चलिए अब खाने की बारी है, अम्मा भी खाएंगी। ये लो बताओ अम्मा कैसी? ज्यादा मीठा नहीं, बस एक अम्मा खाइए और उसके बाद और लीजिए आप लोग भी खाइए। नहीं जलेबी आ गई है मेला से, गर्मा गर्म जलेबी लेने में तो हम भी रहे हैं लेकिन चलो आप लोग भी देखो खा करके, बहुत कुरकुरी जलेबी है। और जलेबी के साथ ही चाट और चाउमीन भी ले लिया था, और एक चाउमीन लिया था एक प्लेट और एक दो प्लेट हमने चाट ले लिया था, इसी में सब लोगों ने बांट बांट करके खा लिया था। काफ़ी टेस्टी थी, चाउमीन सबसे ज़्यादा अच्छी थी, चाट के अपेक्षा चाउमीन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा था। और सब कुछ अभी गरम गरम है तो खाने में बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग खाने में लगे हैं। मम्मी को इन सारी चीज़ों से मतलब ही नहीं है, वो बर्तन धुल रही हैं क्योंकि उन्होंने कहा है केवल हमको थोड़ी जलेबी रख देना और कुछ हम नहीं खाएंगे। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म जलेबी और चाट खाने के लिए, और मेला जाओ चाट और चाउमीन न खाओ तो हो ही नहीं सकता, चाट और चाउमीन तो बनता है खाना। चाउमीन
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, न्यू हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कैसे लगा आपको। की जलेबी बहुत टेस्टी है, मम्मी को पसंद आई। हाँ, बिल्कुल करारी, कुरकुरी कुरकुरी है, ऐसे अच्छी लगती। आप लोग भी खा लो।